हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फोर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है बच्चों, जो आपके लिए 27 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में भी बच्चों हमें जो है डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, जिसमें हम जो है मोर और मोस्ट को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आज हम पढ़ेंगे मोर एंड मोस्ट का यूज़। तो मोर जो है वो कब यूज़ किया जाता है, मोर इज़ द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी। ठीक है, मोर यानी ज़्यादा, तो मच और मैनी जो है उसका कंपेरेटिव फॉर्म है मोर। इट इंडिकेट अ ग्रेटर अमाउंट और नंबर दैट इज इंडिकेटेड बाय मच और मैनी। सो ये जो है मच और मैनी से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, जब हम कंपेरेटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हम मोर का यूज़ करते हैं बच्चों ग्रेटर अमाउंट के लिए करते हैं, यानी इसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन को हम नहीं देखेंगे। हम केवल कंपैरिजन अगर दिया गया है दो चीज़ों के बीच में तो हम किसका यूज़ करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे। मोर मीन्स ग्रेटर अमाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट है। मोस्ट क्या है, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। मोस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मैनी एंड मच। मैनी एंड मच की सुपरलेटिव फॉर्म है, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट जो होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इट इंडिकेट द ग्रेटेस्ट इन नंबर दैट इज क्वांटिफाई। ओके, इन कंपैरिजन मोस्ट इज नॉर्मली यूज विद द, तो द के साथ जो है किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। सो हमने किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पे मोर का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, यानी जो जिनके पास सबसे पैसा बहुत ज़्यादा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पी हों। तो यहाँ पे क्या किया गया है, दोज हु हैव द का यूज़ किया है, तो सुपरलेटिव फॉर्म हम यूज़ करेंगे मोस्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट इज रूल वन दिया गया है, यूज़ मोर टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। तो जो है अगर टू नाउन्स और प्रोनाउंस को कंपेयर किया गया है तो हम करेंगे मोर का यूज़। यूज़ मोस्ट टू कंपेयर थ्री और मोर पीपल प्लेसेस थिंग्स और आइडियाज़। और अगर देखिए दो से ज़्यादा के बारे में अगर जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है तो हम मोस्ट का यूज़ करेंगे, चाहे वो प्लेसेस हैं, चाहे वो थिंग्स हैं या आइडियाज़ हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पीकॉक इज़ मोर कलरफुल देन अ पैरट। अब देखिए यहाँ पे पीकॉक और पैरट में कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों में कंपेयर किया गया है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में द पीकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। अब यहाँ पे ऑल बर्ड्स जितने भी बर्ड्स हैं उनके बीच में पीकॉक के बारे में बात की गई है कि पीकॉक जो है वो सबसे सुंदर है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो क्या किसका यूज़ करेंगे, हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, विच इज़ द डैश मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव एवर सीन, कि तुमने जो जितने भी एनिमल्स देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कलरफुल कौन सा है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, मोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर टू है, वेन वी यूज़ मोर और मोस्ट वी डोंट यूज़ ई आर और ई एस टी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे ई आर और ई एस टी फॉर्म एडजेक्टिव की मोर और मोस्ट का यूज़ करते हुए नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको जो है 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको मोर और जो है मोस्ट का यूज़ करना है। सो यहाँ से पहले आप खुद से सेंटेंसेस करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है दिस कार इज़ द, अब द है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द के लिए मोस्ट आ जाएगा। सेकंड है फ्लावर्स आर डैश ब्यूटीफुल देन रॉक्स, अब यहाँ पे कंपैरिजन है तो कंपैरिजन के लिए मोर आ जाएगा। इनके आंसर बच्चों हम इकट्ठे अभी जो है बाद में इकट्ठे दे देंगे आपको, तो यहाँ पे केवल समझने के लिए। अब देखिए माय सिस्टर इज़ डैश रिस्पॉन्सिबल देन माय ब्रदर, मेरी सिस्टर जो है वो मोर आ जाएगा ना, कंपेरिजन किया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा इनको वन बाय वन कर लेते हैं।
सो यहाँ से इनको करेंगे और साथ साथ इनको समझेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है, दिस कार इज़ द यहाँ पे डैश मोस्ट एक्सपेंसिव वन। यहाँ पे हमने मोस्ट का क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्या था यहाँ पे, द था, ठीक है। दिस कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, क्लियर है। तो ग्रेटेस्ट फॉर्म की बात हो रही है तो हमने मोस्ट का यूज़ किया। सेकंड देखिए, फ्लावर्स आर डैश ब्यूटीफुल देन रॉक्स। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर्स और रॉक्स का कंपेयर किया गया है, टू थिंग्स का कंपेयर किया गया है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पे मोर का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, नंबर थ्री है, माई सिस्टर इज डैश रिस्पॉन्सिबल देन माई ब्रदर। अब यहाँ पे माई सिस्टर और माई ब्रदर दोनों का कंपैरिजन किया गया है, तो दो के कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे, कि मेरी जो सिस्टर है शी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल देन माई ब्रदर। नेक्स्ट है नंबर फोर, दैट कैफे सर्व द डैश डिलीशियस फूड ऑफ ऑल। तो अब देखिए, सभी जितने भी फूड हैं, ठीक है, वो जो कैफ़े है, मोस्ट डिलीशियस फूड जो है, सबसे अच्छा फूड वो सर्व करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे एक कंपैरिजन की बात हो रही है ना, तो ग्रेटेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, और साथ में द भी है तो इसका किसका यूज़ करेंगे, हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंटेंस फिफ्थ है, डैश ऑफ इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी। तो बहुत सारे जो है इंडियंस क्या है, हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं, सो क्या हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारों की बात है, कंपैरिजन नहीं है, सो मोस्ट ऑफ इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी, क्लियर है। नंबर सिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज़ द डैश इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। तो देखिए, बहुत सारी बुक्स में से उस बुक के बारे में बात की गई है, यानी क्या है, वो सुपरलेटिव बात है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मोस्ट का यूज़ करेंगे, साथ साथ यहाँ पे द भी है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट देखिए, नंबर सेवन है, दे नीड डैश मनी टू रेनोवेट देयर हाउस। दे नीड, तो क्या आ जाएगा, दे नीड मोर मनी टू रेनोवेट देयर हाउस, उनको अपने घर के लिए जो है और पैसे चाहिए। नंबर एट है, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे घर के पास रहते हैं। नंबर नाइन दिया गया है, क्रिकेट इज़ अ डैश पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया। अब कंपैरिजन किया गया है क्रिकेट का और टेनिस का, तो कंपैरिजन के लिए क्या आ जाएगा, कंपैरिजन के लिए आ जाएगा मोर, क्रिकेट इज़ अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया। नंबर टेन है, वी नीड सम डैश टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। सो यहाँ पे क्या आएगा, वी नीड सम मोर टाइम, ठीक है, वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, क्लियर है। तो ये जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, एंड आई होप स्टूडेंट्स, आपको बच्चों ये क्लियर है, आई होप आपको ये वर्कशीट की जो हमने पढ़ी अभी, मोर और मोस्ट, इसका यूज़ भी आप इजीली अब सेंटेंसेस में कर सकते हो, और अपनी जो ग्रामर की बुक है आप वहाँ से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।